गर्मी की छुट्टियां होती है बड़ी लंबी, हो जाते हैं बच्चे बड़े बोर, तो समझना ये होता है बड़ा मुश्किल, क्या करे क्या करे। जैसे कि रॉकेट में उड़ना, ये मम्मी से लड़ना, या आईफिल टावर पे चढ़ना, जो है ही नहीं उसका पता लगाना, या फिर बंदर को नहाना, पानी में चलना, फ्रैंकेस्टाइन का भेजा ढूंढ के लाना, जाना रोलर चलाना या बैंड को पागल बनाना। तो देखा जाए तो छुट्टियों के मौसम में हो सकता है धमाल, है कमाल के फिनिशन पर्व, क्योंकि ये करते हैं कमाल, है कमाल के फिनिशन पर्व, क्योंकि ये करते हैं कमाल। दुकान में देखकर बहुत अच्छा लगा बच्चों। वाओ, ये क्या चीज है? ओ, ये पुराने जमाने के मैजिक शो का एस्केप चेंबर है। उन दिनों जादूगर ऐसी चीजों में जाते थे और अंदर बंद हो जाते थे, फिर अचानक बाहर निकल आते थे और लोग तालियां बजाते थे। रुको मैं दिखाता हूँ। इसमें तुम्हें बस ये करना होता है, बस ये करना। आपको कुछ मदद चाहिए डैड? मैं दरअसल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा। ओह शुक्रिया बेटा, खुल गया। खैर टमाटर लेना तो भूल ही गया मैं। मैं समझ गया आज हमें क्या करना है। ओहो, मेरी आइस कल्चर की इंट्रोडक्शन मिस हो जाएगी, इसको जगाने की कोई जरूरत नहीं है। सूर्या पूरिया पिल पिल दुका, पेरी कहाँ है? और सैलेड वाला फॉक बाहर की तरफ सर। पक्का पता हो तो बोलना, वरना एजेंट भाई, जैसा तुम्हें पता होगा आज इंटरनेशनल गुड मैनर्स डे है। ये हैरानी की बात नहीं है कि डॉक्टर डूफिंचमर्स ने बदतमीजी फैलाने के लिए इसी हफ्ते को चुना है। जाओ उसे संभालो, अगर एतराज ना हो तो। वो उसे जरूर रूमिनेटर कहता होगा। और तुम टीवी पर भविष्यवाणियां करते हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आज मैं और मेरा भाई आप लोगों को यहाँ हैरान करने के लिए आए हैं। ये दुनिया का सबसे खतरनाक ट्रैप है, जिसे आज तक किसी आदमी या बच्चे ने बनाया है। हम खुद को इसके अंदर फंसाएंगे और फिर इसमें से बाहर निकल कर दिखाएंगे। ये एक ऐसा कंप्यूटर कंट्रोल टावर है जिसके डिजाइन समझने के लिए 4 साइंटिस्ट पागलखाने पहुंच चुके हैं। वाओ, कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। पर इसे तुमने डिजाइन किया है तो तुम्हें तो बाहर आने का हर तरीका पता होगा। हमने इसे रिएक्ट करने के लिए प्रोग्राम किया है, इसलिए हो सकता है हम कभी बाहर ही ना आ सके। चल रहे हो क्या? नहीं, मेरा मतलब नहीं नहीं नहीं, हम यहीं पर ठीक हैं। ठीक है, तुम लोग यहीं पर रहो और कैंडिस के साथ मिलकर हमें चीयर करो। फिनिश ऑफ को नहीं छोड़ूंगी। पर अगर तुम बाहर नहीं आए तो? अगर हम 15 मिनट में बाहर नहीं आए तो मशीन को तोड़कर हमें बाहर निकाल लेना, पुराने दिनों की तरह। कुछ मजा आ रहा है। फब, टाइमर ऑन करो, अपनी घड़ियां मिला लो। औरतें, बच्चों या कमजोर दिल वालों का यहाँ कोई काम नहीं है, सुन रहे हो ना? तो अलविदा दोस्तों, गुड बाय, चलते हैं, 5 मिनट बाद मिलेंगे या कभी नहीं। इनको कुछ हो गया तो पुलिस तो नहीं पकड़ेगी? मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ कदम कदम पर धोखा है, पर तुम समझे नहीं। खैर वो छोड़ो, असल में जब मैं छोटा बच्चा था तब मेरा भाई रॉजर सबके साथ बड़ी ही तमीज और तहजीब के साथ पेश आता था। एफी आंटी, आपको कोई भी काम हो तो आप मुझे बताइएगा। रॉजर बहुत तमीजदार हो। हाइंस, आपके नाक में क्या है मोटी आंटी? उसके बाद उस मोटी ने मेरी शिकायत की और मुझे बहुत मार पड़ी। अब तक समझ नहीं पाया कि मैंने गलत क्या कहा था। वो तिल था ही इतना बड़ा और साथ में मोटी थी वो। खैर आज इंटरनेशनल गुड मैनर्स डे है और उसमें एक खास मेहमान आने वाली है। वो है इंग्लैंड से आई राजदूत। कहते हैं वो दुनिया का सबसे तमीजदार देश है। हो मुझे क्या, और जब रॉजर उनको इंट्रोड्यूस कर रहा होगा मैं उस पर अपना रूडिनेटर चला दूंगा, यही नाम रखा है मैंने। वो जिस पर भी चलता है वो अचानक बदतमीज हो जाता है। उस घटना से पूरी दुनिया में हंगामा मच जाएगा और मैं उसका फायदा उठाकर उसकी जगह छीन लूंगा। अब पूछोगे ये कैट सूट क्यों? हम उस बदतमीज को देखने के लिए सिटी